हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल एमएमएससी एमके पेपर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि प्रिमिटिव यूनिट सेल को बेसिक यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल भी कहा जाता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये यूनिट सेल और इसका डेफिनेशन, यानी ऐसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण केवल कॉर्नर पर रहते हैं, कहाँ, सिर्फ कॉर्नर पर और कहीं नहीं रहते हैं, तो उसे आप कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए ये जो डार्क पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहीं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर, ये कॉर्नर्स पॉइंट हैं और यहीं पर इस यूनिट सेल के अवयवी कण हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल का। वीडियो पॉज करें और इस डेफिनेशन को अपने नोटबुक में नोट कर लें। एक और ख़ास बात कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दूसरा पॉइंट है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये क्या होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो पहला टाइप है यूनिट सेल का, क्या ऐसा ही हो सकता है कि किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर ही सिर्फ अवयवी कण हो। तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ऐसी भी संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं कि अवयवी कण सिर्फ कॉर्नर्स पर ना होकर इस यूनिट सेल जो कि क्यूब जैसा दिखाई दे रहा है, इसके किसी फेस पर हो या इसके बॉडी में हो। तो अगर ऐसा होता है, मतलब कि कॉर्नर्स पर अवयवी कण हैं और साथ में कहीं और भी हैं उस यूनिट सेल में, तो उसका नाम आप रखोगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो जैसा डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा, आप इस डेफिनेशन को वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। वैसा एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कॉर्नर की अतिरिक्त उस एक कोष्ठिका में अन्यत्र, आप इस वर्ड की जगह पे आप कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी मतलब उसके फेस पे होंगे या फिर उसके बॉडी में, ठीक है, अन्यत्र भी उपस्थित रहते हैं, तो उसे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्स्ट कौन सा है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी मतलब आप हिंदी जानते हैं शरीर। सेंटर्ड यूनिट सेल का हिंदी मैंने पिछले क्लास में बताया था, केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी कि शरीर केंद्रित एकक कोष्ठिका। डेफिनेशन होगा कि यूनिट सेल तो हमारे पास होगा, इसके कॉर्नर्स पर भी एटम होंगे। यूनिट, एक बात याद रखिएगा कि यूनिट सेल चाहे जो भी हो, उसके कॉर्नर्स पर एटम होंगे ही, ये फिक्स है। ठीक है, अब बॉडी सेंटर्ड नाम आ गया है, तो इस क्यूब की तरह दिखने वाला ये जो यूनिट सेल है, इसके कॉर्नर्स पॉइंट्स के अलावे इसके बॉडी में भी एक अवयवी कण है। डेफिनेशन आप देख लो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे एक आप क्यूब लो, ठीक है, या फिर आप ऐसे ही अज्यूम कर लो, मान लो कि कोई रूम है जिसके चार दीवार हैं और उस रूम के बीच में कहीं भी सेंटर पॉइंट पर एक छोटा सा सर्कुलर पार्टिकल रखा गया है। ठीक है, कोई भी चीज़ एक बीचों बीच रखा गया उस रूम के, ठीक वैसे ही ये यूनिट सेल के बीच में अंदर किसी सेंटर पॉइंट पर एक अवयवी कण है, तो इसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। डेफिनेशन है वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कॉर्नर्स के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के बॉडी में एक अवयवी कण उपस्थित रहता है, उसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, अवयवी कण इसमें कहाँ होते हैं, यानी बॉडी सेंटर्ड में, तो आठ तो कॉर्नर्स भी होंगे प्लस एक बॉडी में होगा। ठीक है,
ये आप देख सकते हो। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। किसके बारे में? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। इसे समझने के लिए आप उसी वापस से उस क्यूब को देखें जो कि एक मान लो कौन सा है, लूडो खेलने के लिए जो हम लोग डाइस यूज करते हैं, डाइस जिस पे नंबर लिखा होता है वो डाइस होता है, ठीक है। तो अगर हम उसका यूज करें तो उसके कितने फेस हैं, सतह कितने हैं, ठीक है। तो सतह आपको मिलेंगे 6, ठीक है। तो उन सभी सतह का जो सेंटर पॉइंट होगा, बीच का पॉइंट जो होगा, उसमें एक अवयवी कण है। और कॉर्नर्स कितने हैं उसमें आप देखेंगे, कॉर्नर्स कितने हैं, तो 8 कॉर्नर्स मिलेंगे। और सतह की बात करें, सतह की फेस की, तो वो होगा 6। तो उसके हेल्प से आप समझ सकते हो। तो कॉर्नर्स पे तो 8 होंगे, 8 कॉर्नर्स पॉइंट है, तो उस सभी पर एटम या अवयवी कण होंगे, प्लस सभी फेस पर होंगे। फेस पे कहाँ होंगे? तो फेस के एकदम सेंटर पे। तो जो आपको ग्रीन से दिखाया गया है वो सभी फेसेस पर हैं, और ये भी जो 2 ब्लू से दिखाया गया है वो भी फेस पर है, बट एक है सामने वाले पर, ये ग्रीन नीचे वाले के लिए है, ठीक है। और एक ये ब्लू सामने वाले फेस के लिए, एकदम सामने जो हमको दिखेगा, और ये जो ब्लू है वो पीछे वाले के लिए, ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट वाले के लिए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप देख लो। और एक और बात, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जो डाई होता है, डाइस लूडो में खेल यूज किया जाता है, उसमें वन जो है जिस साइड में लिखा होता है उसके अपोजिट साइड में, ठीक है, कौन सा नंबर लिखा होता है, और 6 जो होता है, 6 उसके अपोजिट साइड में कौन सा नंबर लिखा होता है, ठीक है। आइए इसको देख पढ़ते हैं। लास्ट है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल या साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें कॉर्नर्स पे दिखाए गए हैं, आप प्लस में 2 और एक्स्ट्रा दिखाए गए हैं। ये 2 एक्स्ट्रा जो है वो तो एक इस साइड के लिए है, और इसके अपोजिट कौन होगा, ये वाला साइड होगा, ये ऐसे, ठीक है। अब इस साइड पे दिखाना है कि इस साइड के सेंटर के बीच में, सेंटर में होगा, तो वो तो यही दिखाना होगा ना। अब पेपर पे तो यही दिखाया जा सकता है, 2D है, इसको 3D डायमेंशन 3D में बनाया जाएगा तो क्लियर दिखता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं, इसके अपोजिट साइड का ये अपोजिट साइड है, मतलब इस साइड का ये अपोजिट है, दोनों पर एक एक है, आपकी मर्जी है। आप इस यानी इस ऊपर वाले साइड पे बना लो और इस नीचे वाले साइड पे बना लो, या एक और हो सकता है कि आप इस सामने वाले फेस पे बना लो और इसके जस्ट अपोजिट वाले फेस पर बना लो, ठीक है। डेफिनेशन देख लीजिए, एकक वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कॉर्नर्स के साथ साथ 2 विपरीत फलक यानी फेस पर उपस्थित रहते हैं, तो उसे साइड या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। फेस में कहाँ रहते हैं? कॉर्नर्स प्लस फेसिस पे रहते हैं। साइड में कहाँ, साइड सेंटर्ड में कहाँ रहते हैं? 8 कॉर्नर और 2 अपोजिट साइड पर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, तथा हमारे इस चैनल यानी MMSEMKP को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।